केदारनाथ सिंह हिंदी ही नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय थे। उनकी कविताएं सरल भाषा में हैं, कठिन बातों को आसानी से समझा देना उनकी कविताओं की खासियत है। उनके बारे में भी आप जान लीजिए। केदारनाथ सिंह का जन्म नवंबर 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया गांव में हुआ था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1956 में हिंदी में एमए किया और 1964 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। केदारनाथ सिंह ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा केंद्र में बतौर आचार्य और अध्यक्ष पद पर भी सेवा दी। अज्ञेय के चर्चित कविता संकलन तीसरा सप्तक के सहयोगी कवियों में से वो एक थे। केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान सहित कई सम्मान मिल चुके थे। उनके प्रमुख कविता संग्रहों में बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहां से देखो, बाघ, अकाल में सारस और उत्तर कबीर शामिल हैं। केदारनाथ जी की आलोचना संग्रहों में कल्पना और छायावाद, मेरे समय के शब्द प्रमुख हैं। उनकी कविता बनारस काफी चर्चित हुई थी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।